आज फाल्गुन शुक्ल नवमी सोमवार 18 मार्च 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरण। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन, तत्पश्चात करेंगे प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के मंदिर से श्री द्विजराज बावा श्री के जन्म दिवस के अवसर की मार्कंडेय पूजा के दर्शन, और फिर श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर कांकरोली से राल के दर्शन सहित पुष्टि सृष्टि से दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों होलाष्टक की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो महल में खबर। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही फाल्गुन के नूपुर पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हैं। गुलाल और अबीर से कपोल पत्र भी मांडे हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। साज सज्जा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर अबीर, गुलाल और चंदन से भारी खेल किया गया है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत के चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख दो रजत के पड़गाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी
और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। पीले रंग के लट्ठा के रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए गए हैं, जिनमें सूथन, चाकदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ पीले रंग का ही मलमल का पटका भी धराया गया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्याम रंग के धराए हैं। श्री चरणों को ढकने के पश्चात सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल, चंदन और चौवा से टिपकियों का खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान के अर्थात घुटनों तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांकला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फाल्गुन वाले स्वर्ण एवं मीणा से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। राजभोग के समय प्रभु की कटी पर एक गुलाल की पोटली भी बांधी गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज पीले रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है, जिस पर सुनहरी जमाव का कतरा धराया गया है। बाईं ओर शिशुफूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित लाल मीणा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा की वेणु जी भी धराई हुई हैं। प्रभु की कटी पर दो वेत्र जी धराए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा और एक स्वर्ण वाले हैं। होली के भारी खेल चल रहे हैं, अतः प्रभु श्री जी की गुलाल से दाढ़ी भी रंगी गई है। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां फाल्गुन की मीणा वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है, अतः
प्रभु को शाक घर में सिद्ध किए जाने वाले फल फूलों के खेल के साज भोग के दर्शनों में अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही संध्याकालीन दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में आज तो छबीलो लाल प्रातः ही खेलन को, राजभोग में अष्टपदी गाई जाती है जिसके साथ तुम आवो री तुम आवो, बोले सब हो होरी खेले श्री राधा, आरती में आयो फागुन मास बोले सब शयन में, अरी चल नवल किशोरी पोड़वे में चले हो भावते रस एन, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के भी श्रृंगार बड़े करके आज लूम और तुर्रा सुनहरी धराए जाएंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है। राजभोग में अब वैष्णवों पर भी फेंट से भारी गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे हैं। ब्रजवासी बालक रसिया गान भी करते रहते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। Oh,
अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर कीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर कीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर कीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर जब मोहन द्वारे पे आवे, 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 तो सब मिलकर, तो सब मिलकर आदर सब मिल कर, तो सब मिल कर आदर कीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर कीजो, मोहन आवे तो, हाँ मोहन आवे तो महल में खबर कीजो, जब मोहन देहरी पे आवे, जब मोहन देहरी पे आवे, जब मोहन देहरी पे आवे, तो लाल गुलाल, तो लाल गुलाल वापे डार दीजो, मोहन आवे तो, तो लाल गुलाल, तो लाल गुलाल बापे डार दीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो, मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर जब मोहन अंगना में आवे, 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 भर पीछे कर, तो भर पीछे कारी बापे डार मोहन आवे तो, हाँ तो भर पिचकारी, तो भर पिचकारी वाप डार दीजो, मोहन आवे तो, आवे तो महल में
आवे तो महल में खबर दीजो, आवे तो महल में खबर दीजो, जब मोहन चौका में आवे, 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 तो गहरी भांग, तो गहरी भांग पिलाए दीजो मोहन हाँ, तो गहरी भांग पिलाए दीजो मोहन आवे तो, आवे तो महल में खबर दीजो मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो आवे, जब मोहन महलों में 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 आवे, तो कुसुमन सेज, तो कुसुमन सेज बिछाए दीजो मोहन आवे तो, हाँ तो कुसुमन सेज, तो कुसुमन सेज बिछाए दीजो मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो मोहन आवे तो, मोहन आवे तो महल में खबर दीजो मोहन आवे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।